17-18 गाथा का मूल विषय जो अभी भावार्थ चला उसमें भी ये मूल बात यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की कि साध्य की सिद्धि अगर करना हो, आचरण भी अगर करना हो, तो आचरण के लिए सबसे पहले में पहले श्रद्धान चाहिए। श्रद्धान के बिना वो चीज़ का आचरण नहीं होता है। जो चीज़ श्रद्धा में नहीं आती है उसका जीव आचरण कैसे कर सकता है? तो आचरण के लिए श्रद्धान चाहिए और श्रद्धान के लिए ज्ञान चाहिए। आचरण के लिए सबसे पहले में पहले श्रद्धान होना चाहिए और कोई भी चीज का श्रद्धान करना हो तो सबसे पहले में पहले उसका ज्ञान होना चाहिए कि भाई मैं कौन सी चीज का विश्वास कर रहा हूं, कौन सी चीज को मेरी मान रहा हूं। ऐसा जब तक अपनी चीज का जानना न होवे तो अपनी चीज के अलावा जितनी चीजें हैं उसी की ही श्रद्धा चलती रहे उसको। जब तक जानना सही नहीं होए तब तक उसका रास्ता है वो सही दिशा में नहीं चलता है। इसलिए आचरण के लिए श्रद्धान चाहिए। साध्य जो निष्कर्म अवस्था उसकी सिद्धि के लिए सबसे पहले में पहले श्रद्धान चाहिए और श्रद्धान से पूर्व श्रद्धान करने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान। ये गाथा में 17-18 गाथा में मुख्य रूप से ज्ञान की चर्चा आई है कि ज्ञान में कैसे आत्मा को जानना। कुंकुंद आचार्य कह रहे हैं कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। अमृतचंद्र आचार्य उसकी टीका करके कह रहे हैं कि तू आत्मा को जो तेरे को जानना है ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा अनंत चैतन्य चिन्ह अविनश्वर चैतन्य परमात्मा, ऐसा जो ध्रुव परमात्मा अनादि अनंत अखंड आत्मा अपना स्वरूप में स्थित, स्वभाव में स्थित ऐसा अखंडित चैतन्य परमात्मा। अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा आत्मा तेरा प्रगट ज्ञान में जानने में आ रहा है, ऐसा तू आत्मा को जान ले। एक बाजू कहते हैं कि आत्मा को जान और एक बाजू कहते हैं कि जानने में आ रहा है, ये तो विरोध हो गया। विरोध हो ही नहीं, हो कभी नहीं हो सकता दो आचार्यों के बीच में, अविरुद्ध बात होती है। एक आचार्य का कथन दूसरे आचार्य उसको आगे बढ़ा रहे, आगे बढ़ा रहे। आत्मा को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा को जानना, ऐसा विकल्प मत करना। सुन, समझ और सोच कि तेरा ज्ञान है, वो ज्ञान का अंश ज्ञायक का है। तो हम तुझे कह रहे हैं कि तुझे आत्मा को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा को जानना ऐसा विकल्प न करके आत्मा जानने में ज्ञान प्रकट ज्ञान में आ रहा है ऐसा तेरी समझ में ले ले। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां 17-18 गाथा में ली गई है। देखो अपना जो स्वरूप है ना, चैतन्य स्वरूप, ज्ञायक भाव, वो ज्ञायक भाव
कैसा है, सभी जीव का विनायक भाव एक रूप एक सरखा है। कोई भी जीव ले लो, जीव मात्र उसका विनायक भाव उसमें कोई चेंज नहीं है, सबका सरखा है। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंजार, निश्चय भेद कछु नाही भेद गिने संसार। तो विनायक भाव तो सबका सरखा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सबके पास चैतन्य सत्ता है, सबके पास अनादि अनंत अपना स्वभाव है, सबके पास अविनश्वर सत्ता है, ध्रुव सत्ता है, अखंड सत्ता है। ऐसा स्वभाव तो सबका, भवी हो अभवी हो, अज्ञानी हो ज्ञानी हो, सबका स्वभाव एक सरखा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सभी जीव का एक सरखा स्वभाव है। तो पहले में पहली तो स्वभाव की बात होती है। सबको प्रश्न कहां खड़ा होता है कि मेरी पर्याय में ये है। अभी कल ही हमारी रंडी भाई से रात को बात चल रही थी, पर्याय में ये हो रहा है, 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 नजर छूटती नहीं वहां से। और नायक भाव में कुछ नहीं हो रहा है, वो मात्र विद्यमान अपनी सत्ता में है। करना धरना होना वहां कुछ है ही नहीं, वहां तो है पना है, शाश्वत पना है, ध्रुवपना है, एक रूपपना है, नायकपना है, नित्यपना है, अविनाशीपना है। ऐसा स्वरूप मेरा है अनादि से। कितनी बार चारों गति में जीव ने परिभ्रमण कर लिया, मनुष्य देव तिर्यंच नारक, मनुष्य देव तिर्यंच नारक, एक एक योनि में अनंत बार जन्म ले लिया, फिर भी नायक भाव में कुछ नहीं हुआ। अकर्ता स्वभाव में कुछ नहीं हुआ, अपरिणामी स्वभाव कभी उस रूप परिणमित नहीं हुआ। ऐसी कोई सत्ता बच गई है, बच गई है, उसको ख्याल में लेनी चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान फरमाते हैं, प्रथम में प्रथम तेरा कर्तव्य है तो शुद्ध आत्मा को जान, शुद्ध आत्मा जो सबका सरखा है। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे, कोई भी जीव को उसकी पर्याय की परिणमन की स्थिति है उस दृष्टि से कभी मत देखना। उसकी पर्याय का तेरे में ज्ञान होवे ने तो भी उसकी मर्यादा अपने ज्ञान तक रखना, उसकी पर्याय तक नहीं रखना। क्या किसी जीव की पर्याय का भी ज्ञान होवे तो उसकी भी मर्यादा अपने में ज्ञान हुआ है उस ज्ञान तक ही रखना। उसकी पर्याय में ऐसा है, उसकी पर्याय में ऐसा है, उसकी पर्याय में ऐसा है, वहां तक मत जाना। किसी को पर्याय दृष्टि से मत देखना। पर्याय मुंडा असमया, पर्याय दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि वो सम्यक दृष्टि। समापना के दिन पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष ऐसा फरमाते थे कि हमने कभी किसी सो किसी को पर्याय से देखा गया हो मेरे से तो हम उसकी क्षमा मांगते हैं। देखो ऐसे बोलते हैं महापुरुष, इसे बोलते हैं निर्माणता स्वभावी पुरुष। तो अपन उनके शिष्य है तो उनका जैसा परिणमन चल रहा है ऐसा परिणमन करने के लिए उसने जिसको जाना है उसको अपने को जानना चाहिए। जब तक अपन उसको नहीं जानेंगे तब तक ये परलक्षी बहिर्लक्षी परिणमन अनादि से चला है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए जैसा मेरा आत्मा है, सभी जीव का आत्मा ऐसा है, द्रव्य स्वभाव, नायक भाव, चैतन्य सत्ता, अविनाशी सत्ता, ध्रुव सत्ता, अभेद सत्ता, निबिड़ सत्ता, अखंड सत्ता, ऐसी नैसी सत्ता। एक तो नायक भाव की चर्चा, क्योंकि वो सबका एक सरका है।
दूसरी चर्चा आती है ज्ञान भाव की चर्चा। देखो प्रवचन सार की 80वीं गाथा है, इसमें ये बात बहुत अच्छी तरह से आई है कि जो जानता अरहंतो अरहंत को गुण द्रव्य और पर्यय पणे, वो जीव जाने आत्म को तसु मोह पामे लई करे। वहां मोह का क्षय की बात की है, वहां मोह का उपशम की बात नहीं है, वहां मोह का क्षय, मोह क्षय कैसे हो जाए, कि अरहंत का आत्मा और तेरा आत्मा समान है ऐसा तू जानेगा तो मोह की उत्पत्ति होगी नहीं। तो यहां ये गाथा में वो ज्ञान में भी समानता बताते हैं आचार्य भगवान, ज्ञान की समानता बता रहे हैं कि द्रव्य से तो तेरा समान है ध्रुव परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, उसमें तो तेरे में और दूसरे में कोई फर्क ही नहीं है। जैसे भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है दूसरे का, ऐसे तेरा आत्मा भी द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है, सिद्ध का आत्मा भी द्रव्य कर्म भाव कर्म से नौ कर्म से रहित है, ऐसा तो त्रिकाली द्रव्य का स्वभाव है। अभी सबको चिंता किसकी लगी है, पर्याय की, कि मेरी पर्याय बहिर्मुख है, मेरी पर्याय में राग द्वेष मोह वर्त रहा है, मेरी पर्याय में अभी अतीन्द्रिय आनंद का जन्म नहीं हुआ, मेरी पर्याय बहिर्लक्ष परिणम रही है इसलिए विभाव रूप परिणमती है, इसलिए कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध होता है वो अबाधाकार पाप के उदय में आता है, तो फिर से असाता वेदनी का उदय आया और मैं उसमें जुड़ गया, तो फिर से वो साइकिल चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी है? तो ऐसे पर्याय की सबको चिंता लगी हुई है, आचार्य भगवान वो चिंता दूर कर रहे हैं जीवों की। पर्याय से भी तू तेरे स्वभाव को देख, तो पर्याय में मोहराग द्वेष की परिणमन स्थिति पराश्रित पर्याय में वर्तती होने के समय, उसी समय की बात है, वो दूर हो जाए बात उसकी बात नहीं है, उसी समय वही काल में सभी जीव को अपना उपयोग लक्षण में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है सबको। जैसे केवड़ी परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वो अपने आत्मा को कैसे जानते हैं, अपने ज्ञान से जानते हैं, उसके पास तो भावक का भाव की ज्ञेय का भाव कुछ नहीं है, मिथ्या दृष्टि के पास तो भावक का भाव और ज्ञेय का भाव ही है, इसलिए उसको ऐसा लगता रहता है कि ये भाव है उससे भी मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। मगर आत्मा को जानने के लिए एक ही साधन है सबके लिए, केवड़ी भगवान जैसे अपने आत्मा को जानते हैं वैसे ही सभी जीव अपने आत्मा को ज्ञान से जानते हैं। अगर अज्ञानी की दशा में ऐसा भावक का भाव और ज्ञेय का भाव चलता है, अगर उससे वो जानता हो, उससे कुछ उसको माने कि जानने में कुछ मदद रूप हो जाए, बहुत शास्त्र पढ़ ले, शास्त्र ज्ञान बहुत कर ले, तो कुछ उसमें अनुभूति में कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि ऐसा केवली भगवान के पास तो वो है नहीं, वो तो अपने ज्ञान से आत्मा को जानते हैं। अगर उससे कुछ मदद मिलती होवे, या तो ज्ञानी हुआ उसको भी कुछ उससे मदद मिलती होवे, तो ज्ञान से जानना तो रहा ही नहीं। वो जैसे ज्ञान से जानता है ऐसे मैं भी मेरे ज्ञान से मेरे आत्मा को जानता हूं, और वो अनन्य बना रहा है, वहां उपयोग से उपयोगवान अनन्य रहता है, वो उपयोग से उपयोगवान कभी दूर नहीं हो सकता। इसलिए यहां लिखा है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है।
देखो ये अपना शरीर है ना, शरीर शरीर को बोला जाता है अवयवी, और ये सब अंग उपांग बोलते हैं ना अपन, जैसे ये हाथ है, ये पैर है, ये उंगली है, वो सब उसके अवयव है। तो वो अवयवी का अवयव है, दूसरे का नहीं है, दूसरे शरीर का भी नहीं है, दूसरे का भी नहीं है। ये शरीर जो अवयवी है उसका अवयव उसके साथ में अभिन्न रूप रहता है, अभिन्न रूप रहता है वो अवयव। और इसको क्या बोलते हो आप, नाखून, नाखून है ना, ये नाखून माने इसमें खून नहीं है, इसमें खून नहीं है और इसमें है, इसको काटोगे तो खून नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें है ही नहीं, तो कहां से निकलेगा, इसमें है। इसमें क्यों है और इसमें क्यों नहीं है, इसमें है क्योंकि वो अवयवी का अवयव है, और ये नाखून है वो अवयवी का अवयव सचमुच नहीं है, क्योंकि उसको काटने से जो यहां है वो चला नहीं जाता। इसलिए एक अवयवी है, एक अवयव है और एक पृथक चीज है। अवयवी और अवयव है वो अभिन्न है, और ये जो है नाखून वो पृथक है। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य सत्ता है, अपना जो परिपूर्ण तत्व है, अपना जो ज्ञायक भाव है, अपना अविनश्वर चैतन्य चिन्ह स्वरूप परमात्मा है, जो ध्रुव सत्ता है, ध्रुव 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 ध्रुव, कुछ परिणाम ही नहीं उसमें अंदर, ऐसी कोई सत्ता मेरी है वो अवयवी है, उसको बोला जाता है अवयवी। और ज्ञान है ना, वो उसका अवयव है, और राग है वो नाखून की जगह पे है। जो प्रथम चीज है, राग है, इंद्रिय ज्ञान है, ये सब प्रथम चीज है, क्योंकि उसकी सत्ता अनादि अनंत नहीं होती। ज्ञायक की सत्ता अनादि अनंत, ज्ञान की सत्ता अनादि अनंत, और रागादि भाव और ज्ञेय रूप भाव की सत्ता वर्तमान एक समय में बहिर्लक्ष्य से हुई वो स्थिति है, इसलिए वो पृथक सत्ता है। ज्ञायक सत्ता है वो अवयवी है, ज्ञान की सत्ता है वो उसका अवयव है, इसलिए वो अभिन्न साधन है, और राग है वो भिन्न है क्योंकि वो पृथक है, क्योंकि निकल जाता है अनुभव के काल में भी राग नहीं रहता, बुद्धि पूर्वक की बात अलग है। आगे 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 जैसे जाओ तो यथा क्या चारित्र होने में राग चला जाता है, जिसे स्वरूपाचरण चारित्र हुआ, संयम रूप चारित्र हुआ, यथा क्या चारित्र हुआ, और गुण स्थानातीत हो गए तो अव्यवाद चारित्र हुआ, तो ये रागादि भाव जो है वो अनुभव के काल में ही मन की चले गए। जब प्रतीति रूप अनुभव हुआ तो दृष्टिमोक्ष हो गया जीव का, और वो दृष्टिमोक्ष कैसे हुआ कि ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान जानने में आ रहा है ऐसा स्वीकार किया, तो दृष्टि द्रव्य पर पड़ गई तो लीनता हो गई। तो ये अवयव जो है, ये अवयव नहीं है और ये अवयवी है। अभी समझो आपको बुखार आया, बुखार आया ना, तो शरीर गर्म हो गया। अभी ये नाखून से आप ऐसा करो, पता नहीं चलेगा कि शरीर गर्म है कि ठंडा है। क्यों पता नहीं चलेगा, अवयवी का अवयव नहीं है। इससे आप नाप करो, इसका तुरंत पता चलेगा कि शरीर गर्म है कि ठंडा है, क्योंकि अवयवी का अवयव है, अभिन्न साधन है।
ऐसे अभिन्न साधन यहां बता रहे हैं तो आपको सबको हम सबको आचार्य भगवान कि अभिन्न साधन तेरे पास मौजूद होने पर भी वहां तेरी नजर क्यों नहीं जाती, तेरी रुचि वहां क्यों नहीं चलती। पर ये में राग तो है, पर ये में मिथ्यात्व तो है। राग तो माने कि 12वें गुण स्थान में जाता है, 10वें के अंत में 12वें के पहले समय में जाता है। अभी तो है, अभी तो मिथ्या दृष्टि है, अभी तो सम्यक दर्शन होने में भी ये काल में होवे तो ठीक है, प्रयत्न तो कर रहे हैं और उससे थकान लगती है तो फिर मैं ज्ञायक हूं ज्ञायक हूं ज्ञायक हूं ज्ञायक हूं ऐसा विकल्प करता रहता है, समझ नहीं करता। ये समझ का मार्ग है, द्रव्य कैसा गुण कैसा पर्याय कैसी अवयवी कैसा उसका सचमुच अवयव कौन सा कि जो सदा उसके साथ में रहे उसी को उसका अवयव बोला जाता है। संवर निर्जरा सदा नहीं रहता साथ में, अज्ञानी के पास नहीं है, सचमुच में वो अवयव नहीं है अवयवी का। केवल ज्ञान सदा ही नहीं रहता इसलिए सचमुच में वो अवयवी नहीं है, नया हो रहा है। और अवयव किसको बोला, ज्ञान दर्शन उपयोग। जो निगोद में सोई मुझ में वही मोक्ष मजार, माने कि द्रव्य में भी है इसकी पर्याय में भी वो उपयोग प्रति समय प्रति समय प्रति समय प्रति समय व्यक्त रूप से चल रहा है, उसी को अवयवी का वास्तविक अवयव बोला जाता है। और वो अवयव में अवयवी जानने में आ रहा है उसका नाम संवर है। संवर नया प्रकट होता है, निर्जरा नहीं होती है, केवल ज्ञान नया होता है, सिद्ध दशा नहीं होती है। मैं पुराना त्रिकाली द्रव्य और मेरा अंश भी पुराना अनादि अनंत, ऐसा उपयोग में बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय जानने में आ रहा है, प्रति समय जानने में आ रहा है। जितना ज्ञायक भाव वो परिपूर्ण ध्येय है, अनंत गुणात्मक वस्तु मात्र है, और उसके साथ जो ज्ञान का उपयोग का अनन्यपना वो परिणमन चल रहा है, वो परिणमन की सत्ता है। द्रव्य अपरिणामी, ज्ञान का उपयोग में परिणमन, वो उपयोग में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा ध्येय और ज्ञेय का अनन्यपना है। उसमें जितना ये ध्येय है और ये ज्ञेय है, ये द्रव्य है और ये ज्ञान का उपयोग है, इतना जितना उसमें भेद करता है उतना विकल्प खड़ा होता है। भेद विकल्प, भेद विकल्प, यहां भेद किया ज्ञान और ज्ञायक का तो विकल्प खड़ा हो गया, यहां अभेद हो गया ज्ञान और ज्ञायक तो वहां निर्विकल्पता आ गई। ऐसी कोई मूल स्वभाव की चर्चा 17-18 गाथा में भरी हुई है। आचार्य भगवान कहते हैं कि तू प्रथम आत्मा को जान, और इतना वाक्य में माने कि संतुष्ट मत हो जा, तू आत्मा को जान और जानने वाला तुझे जानने में आ रहा है ऐसा तू जान, तब ध्येय और ज्ञेय की परिपूर्णता होके तुझे साध्य निष्कर्म दशा प्रकट हो जाएगी। ये समय एक ही होता है, जो समय द्रव्य अपरिणामी तत्व है उसी समय ज्ञान के उपयोग में अपरिणामी सत्ता जानने में उसी समय आ रही है, उसी समय उसका स्वीकार नहीं होता है और भेद वहां पड़ता है कि ये ज्ञान है वो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, वो भेद हो गया। वो भेद हुआ तो विकल्प खड़ा हो गया, विकल्प हुआ तो मोह राग द्वेष की स्थिति खड़ी हो गई, मोह राग द्वेष की स्थिति खड़ी हो गई वो अज्ञान भाव हो गया, अज्ञान भाव हो गया तो अज्ञान का निमित्त से कर्म का बंध हो गया। ये अनादि से ये साइकिल चल रही है जीव की, उसकी अज्ञानता कैसे छूटे कि अपना वस्तु का परिचय करे, अपनी वस्तु मौजूद है और अपनी वस्तु में कुछ बिगाड़ नहीं हुआ है,
बिगाड़ हुआ ही नहीं। जैसे अभी सूरज उग गया है ना, सूरज लोग बोलते हैं ना कि भाई आप बोलते हो ज्ञायक है ज्ञायक है ज्ञायक है, भाई हमें तो दिखता नहीं भैया ज्ञायक, कोई बात नहीं ज्ञायक नहीं दिखता है ना, अभी यहां बैठे हैं सूरज तो बाहर है वो दिखता नहीं अभी, मगर सूरज की किरण जो है वो तो मौजूद है कि नहीं, वो तो ख्याल में आती है ना। चैतन्य लक्षण उपयोग, चैतन्य अनुविधायी परिणाम, ज्ञान दर्शन का उपयोग, बार के ज्ञान का जानना 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 जानना। पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई कोई जगह पे ऐसा भी बोला कि आत्मा में गुण अनंत है, कितने अनंत गुण है, अनंत 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 अनंतता की विस्तार की स्थिति पूज्य गुरुदेव श्री से सुनो तो अनंतता जैसे अपने को भाषित होती हो ना ऐसा लगने लगे। आप सुन लेना 9 नंबर का प्रवचन, दूसरी गाथा के ऊपर है पूज्य गुरुदेव श्री का, समय सार सिद्धि में 19वीं बार में 9 नंबर का प्रवचन, अनंतता की पराकाष्ठा उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने वर्णन की है, अनंतता की पराकाष्ठा, द्रव्य की पराकाष्ठा अनंतता की, क्षेत्र की अनंतता की पराकाष्ठा, काल की अनंतता की पराकाष्ठा, भाव की अनंतता की पराकाष्ठा, और वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता हुए ऐसी अखंडित चैतन्य तत्व की पराकाष्ठा। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया कि इतने इतने अनंत गुण है आत्मा में, वो गुण में चेतना ज्ञान और दर्शन दोनों में होती है, मात्र दो में ही होती है, और उसमें भी ज्ञान उपयोग की जो चेतना है उसके सिवाय का जितना गुण है उसको अचेतन कहा है। क्या कहा है? गुण को अचेतन, क्यों? कि वो जानता ही नहीं, उसके पास जानने का कुछ है ही नहीं, इसलिए जो जानता है वो चेतन और जिसके पास जानना नहीं है वो अचेतन। तो यहां जो कह रहे हैं कि ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, तो अभी सूरज नहीं दिखता, तो प्रकाश तो दिखता है ना, प्रकाश तो बस प्रकाश दिखता है तो सूरज उदय हो गया, सूरज का तेरा तुझे प्रकाश दिख गया ना, अंधकार नहीं दिखा, अंधकार छूट गया तेरा, तुझे प्रकाश दिख गया, तो वो प्रकाश तो प्रकाशक से अनन्य होता है, प्रकाश तुझे दिखा तो प्रकाशक दिख गया, और प्रकाशक दिखा तो उसका प्रकाशक में से प्रकाश आया, तो वो प्रकाश का प्रकाश्य भी वो प्रकाशक है, प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों धर्म वो सूरज में है, और उसकी पर्याय प्रकाश है, वो ये बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान जानने में आता है, वो उसकी पर्याय है। वो पर्याय किसको प्रसिद्ध कर रही है? तो कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, वो प्रकाशक को प्रकाश्य बना रही है, घटपट को नहीं। लक्षण से लक्ष की पहचान होती है, उपयोग से उपयोगवान की पहचान होती है। वो दीपचंद जी ने बताया ना अनुभव प्रकाश में, अभी रजनी भाई ने बोला था 2 दिन पहले कि ज्ञान की दोरी दोरी चला जा तो ज्ञायक उधर ही है। पूज्य बेन श्री चंपा बेन भी ये बात बहुत लेते हैं, बहुत लेते हैं, लक्षण और लक्ष, लक्षण और लक्ष, लक्षण और लक्ष, बस ये मूल बात है लक्षण लक्ष, लक्षण और लक्ष में भेद खड़ा करता है ना, तब राग की उत्पत्ति होती है। अभी लक्षण और लक्ष अभेद उसको ख्याल में आ जाए तो वहां वितरकता उत्पन्न होती है। जहां पूर्व पर्याय में राग था और पूर्व पर्याय में ऐसा भेद पड़ा और वर्तमान पर्याय में यहां अभेद मालूम हुआ,
कि ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा ही मैं ज्ञायक हूं, ऐसा अभेद उसको दृष्टि में आ गया, ज्ञान में आ गया, तो उसी समय वहां पूर्व पर्याय में जो विकल्प था, राग था, दूसरे समय में अभेद ख्याल में आने से वहां वितरागता और निर्विकल्पता का जन्म हो जाएगा। बहुत सरल है गाथा। सरल क्यों है? विषय बहुत छोटा है आत्मा का, आत्मा का विषय बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा बनाया जाता है, बड़ा है नहीं। जहां आत्मा आचार्य भगवान दिखा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव श्री दिखा रहे हैं, उधर से ही आप उसको सोचो तो अनुभूति तो अपने हाथ में है। अनुभूति बहुत सरल होती है, पहले भी लिया था अपन ने, ये विषय ख्याल में आ जाए तो अनुभूति अत्यंत सरल है, क्योंकि जहां अनुभूति होती है, जहां स्वसंवेदन होता है ज्ञान में, वो ज्ञान तो आत्मा से अनन्य है, वो तो अभिन्न है उससे। अगर वो जुदा पड़ गया हो ना, अलग हो गया हो, तो उसको अभेद करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ का नाम क्या? कुछ भी न करना उसका नाम पुरुषार्थ है। कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ, और मात्र जानना यथार्थ रूप से उसका नाम पुरुषार्थ। करने में जीव ओतप्रोत है, करना छूटता ही नहीं, इसका करूं इसका करूं इसका करूं इसका करूं। उससे आगे जाए तो पर्याय में ऐसा हो रहा है तो पर्याय को द्रव्य सम्मुख करूं, पर्याय को द्रव्य की ओर ले जाऊं। भैया वो तेरा काम नहीं है, वो षटकारक से होती है, उसकी योग्यता अंदर में होती है, त्रिकाल गुण त्रिकालता है उसमें, गुणों में सब योग्यता शक्ति रूप भी पड़ी है, और भूतकाल की योग्यता भी पर्याय परिणमन होके व्यय होके चली गई, उसकी द्रव्य में पारिणामिक भाव में पड़ी है, भविष्य की शक्ति रूप योग्यता अंदर में गुणों में पड़ी है, जो पर्याय का जो क्रम होता है वो प्रकट होता है। तू कौन फिराने वाला उसको? तू तो जान यथार्थ कि ये द्रव्य है, ये पर्याय है, पर्याय होने योग होती है और मैं जाननहार हूं, बस। तेरवी गाथा में आया है, थवा योग्य थाई से पर्याय होने योग होती है, और मैं तो मात्र जानने वाला जानने वाला जानने वाला जानने वाला जानने वाला रहता हूं। ऐसा उसको स्वीकार आ जाए कि पर्याय में राग है, पर्याय में राग है, पर्याय। अरे पर्याय में राग है उसी समय पर्याय में ज्ञान है कि नहीं? तो वो ज्ञान को ऊर्ध्व क्यों नहीं करता? राग को क्यों ऊर्ध्व करता है? विकल्प को क्यों ऊर्ध्व करता है? ऐसे विकल्प करूंगा तो आत्मा ख्याल में आएगा, ऐसा विकल्प से शुरुआत क्यों करता है? ज्ञान से शुरुआत कर कि मेरा ज्ञान में जानना 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 चल रहा है। विकल्प है वो भी ज्ञान में ख्याल में आता है, विकल्प विकल्प में ख्याल में आता है, विकल्प भी ख्याल में तो ज्ञान में आता है, तो वो ज्ञान तो मेरा है, और वो ज्ञान में तो ज्ञायक अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। इतना सरल है, कठिन नहीं है। आचार्य भगवान जहां से बात करें उधर से सोचो, बस बात इतनी है। वहां से जो जीव सोचता है उसको अल्पकाल में प्रतीति हुए बिना नहीं रहती, ऐसा कहना चाहते हैं। इसमें अभी कोई बोल रहा था, इसमें एक दो आदमी बोल रहे थे कि भाई ज्ञेयाकार ज्ञानाकार क्या है, तो ये इसी में आता है, ये ज्ञेयाकार ज्ञानाकार। देखो, एक अपन ने भगवान आत्मा ज्ञायक भाव लिया, एक उसका ज्ञान का परिणमन लिया, वो ज्ञान का परिणमन ने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, और वो ज्ञान में जो उसका प्रति समय उत्पाद होता है, प्रति समय उत्पाद ज्ञान का, तो वो ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से स्व और पर दोनों का ज्ञान वो ज्ञान की पर्याय में प्रति समय हो रहा है, प्रति समय हो रहा है। कोई समय ऐसा नहीं है
कि अकेले स्व का ज्ञान हो और पर का ज्ञान उसमें न हो। यहाँ 17-18 गाथा में कहना चाहते हैं कि नायक ही जानने में आता है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है। वो ज्ञायक है ने, वो अंदर में एक ध्रुव प्रवाह चालू है, अंदर में ज्ञायक भाव में एक ध्रुव प्रवाह है, निरंतर ध्रुव प्रवाह, निरंतर ध्रुव प्रवाह, निरंतर ध्रुव प्रवाह है। नित्य उपयोग लक्षण वो आया ना अभी 23-24-25 गाथा में, नित्य उपयोग लक्षण, नित्य त्रिकाल उपयोग लक्षण, नित्य ध्रुव उपयोग लक्षण, ऐसा एक अंदर में ज्ञायक ज्ञायक ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान जानना दर्शन देखना, ऐसा एक ध्रुव चीज में प्रवाह चल रहा है। ज्ञायक भाव ध्रुव स्वभाव जानना देखना ऐसा चल रहा है। वो एक जानने देखने का त्रिकाल उपयोग है, वो त्रिकाल उपयोग भी आत्मा में है, उसका त्रिकाल गुण है, त्रिकाल गुण का त्रिकाल उपयोग है। वो त्रिकाल उपयोग में पूरा ज्ञायक भाव अनंत गुणात्मक असंख्य प्रदेशी उसकी त्रिकालता वो सब वो उपयोग में जानने में वर्त रहा है, जानता हुआ वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्त रहा है। इसका विषय आपको देखना हो तो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन नियम सार पे 3री गाथा से 15 गाथा तक आप पढ़ लेना, दूसरा 320 गाथा ध्येय पूर्व ज्ञेय में छपी हुई है जयसेन आचार्य की टीका, उसमें 70 की साल का प्रवचन, 16वीं बार का उसमें 20-8-70 तारीख का प्रवचन, वो आप सुन लेना। ये जो मैं विषय बता रहा हूं वो पूज्य गुरुदेव श्री ने मान लिया है कि एक जो भगवान आत्मा चैतन्य सत्ता है वो चैतन्य सत्ता ऐसी है। ऐसे प्रश्न होता है ना कि ये अनुभूति स्वरूप बाल गोपाल सबको जानने में आता है, ये ज्ञान ये ऐसे कैसे उत्पाद होता है, ये ज्ञान कि वो उसको ही जानता रहे जानने में ही आता रहे, तो कि एक अंदर का स्वरूप ऐसा है। अंदर का स्वरूप में जहाँ ज्ञान होता है जहाँ दर्शन होता है वहाँ जानना देखना प्रति समय चलता रहता है, प्रति समय चलता रहता है, चलता रहता है माने वहाँ क्रिया नहीं है, क्रिया जहां होती है वहां वेदन होता है, निष्क्रिय जहां होता है वहां अकारक और अवेदकपना होता है। ये निष्क्रिय की चर्चा चल रही है, वो निष्क्रिय में एक ऐसा स्वभाव पड़ा है ज्ञान का, जानना देखना परिपूर्ण ज्ञायक को जानना देखना ऐसा वर्त रहा है। वो वर्त रहा है वहां जानना देखना है, वो ध्रुव का प्रवाह पूरा चैतन्य का नूर का पूर चल रहा है अंदर में, वो ऐसे चैतन्य का नूर का पूर जैसे जो समुद्र होता है ना, समुद्र में से जैसे मोजे उछलते हैं, लहर बोलते हैं ना आप हिंदी, लहर उछलती है तो लहर तो सपाटी से उछलती है ऐसा कहते हैं ना, सपाटी से उछलती है, मगर वो लहर आई कहां से, वो तो अंदर से, कितनी अंदर से उसका डगमार उठा है, अंदर से कितने अंदर से तब वो सपाटी से बाहर निकली। तो अंदर में से जो वो प्रवाह जैसे पानी का प्रवाह, ऐसे ध्रुव का प्रवाह, चैतन्य सत्ता का प्रवाह, ज्ञायक भाव में ज्ञान दर्शन का प्रवाह ऐसे प्रति समय चलता है, प्रति समय एक भी समय के विक्षेप के बिना निरंतर ये प्रवाह ध्रुव प्रवाह ऐसा बह रहा है अंदर में। वो चैतन्य सत्ता है, वो ज्ञायक भाव की सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, दर्शनमय सत्ता है, वहां कोई पर्याय नहीं है वर्तमान, वहां कोई उत्पाद्य नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है, सपाटी तक कुछ क्रिया नहीं है, सपाटी तक ध्रुव चैतन्य परमात्मा बह रहा है। वहां जानना देखना ऐसा स्वरूप है अंदर में। वहां से ये सपाटी के ऊपर से जो वो उपयोग का परिणाम चला उसको बोला जाता है वर्तमान उपयोग, और अंदर ध्रुव प्रवाह था उसको बोला जाता है त्रिकाल उपयोग। तो वो त्रिकाल उपयोग में से जो अंश प्रकट हुआ, वो अंशी में से प्रकट हुआ अंश, तो जो अंशी में है वो लेके वो प्रकट हुआ है,
वो लेके प्रकट हुआ है। इसीलिए अंदर में जो अनुभूति स्वरूप है भगवान आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वरूप है भगवान आत्मा त्रिकाल, वो वहां वर्त रहा है जानना देखना, उसी को वो अंशी में से अंश लेके बाहर आया और इसीलिए वो अंश में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। आत्मा का स्वरूप इतना है, चाहे वो माने चाहे न माने चाहे कभी भी माने, स्वरूप ऐसा और इतना है। उसको ऐसा मानने से ही उसको सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक माने क्या? जैसा है ऐसा मानना, उसका नाम सम्यकता है। ऐसा स्वीकार कर लिया कि स्वरूप ऐसा ही है, उसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। उसको बहुत बोला जाता है, प्रतीति हो गया, विश्वास हो गया, अहम कर लिया, आत्मा को कब्जे कर लिया, दृष्टि मोक्ष हो गया, दृष्टि में ज्ञायक आ गया, दृष्टि और ज्ञायक का भेद नहीं रहा, दृष्टि का विषय और दृष्टि ऐसा कुछ भेद रहा नहीं, इसलिए विकल्प खड़ा नहीं हुआ। ये सब अलग 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 एंगल से बताया जावे, मगर एंगल एक ही है, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में विद्यमान है। बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, और वो जो उत्पाद हुआ उसका स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञेय का ज्ञान और ज्ञायक का ज्ञान भी उसमें हो रहा है। ज्ञेय का ज्ञान ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ, वो ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेय की प्रसिद्धि जिसको होती है और ज्ञान की तिरोभुत्ता होती है उसको अज्ञानी बोला जाता है, और जिसको ज्ञान में ज्ञान की प्रसिद्धि हो जाए, ज्ञान में ज्ञान के ही आकार है, वो ज्ञायक में से ज्ञान प्रकट हुआ है इसलिए वो ज्ञान का ही आकार है, वो ज्ञेयाकार सचमुच तो हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं माने कि उसका जानना पर ज्ञेयों का उसमें ज्ञेयाकार बनता है उसका निषेध नहीं है, मगर वो ज्ञान में ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान का ही स्वरूप है, इसलिए वो ज्ञानाकार ही है, वो ज्ञानाकार स्वभाव है। ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करेगा तो उसको एकाकार ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव हो जाएगा, और आविर्भाव होगा उसी समय दृष्टि ध्रुव गलायक पर चली जाएगी। इसी तरीके से अनुभूति प्रक्रिया 15वीं गाथा में भी ये प्रक्रिया बताई है। इस तरीके से ये विचार करना, इस तरीके से ये आचार्य भगवान यहां ज्ञायक भाव, ज्ञान का उपयोग लक्षण, उसका अनन्यपना की सत्ता जो बता रहे हैं, ऐसा ही मेरा स्वभाव, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, बाकी का जो कुछ भी होता है वो सब कर्म सापेक्ष परिणमन है, और ये ज्ञान का परिणमन है वो कर्म से निरपेक्ष अपना ज्ञायक में से आता हुआ परिणमन है, वो स्वभाव का अंश है, और बाकी का जो भी पर्यायों का परिणमन हो रहा है वो अशुद्ध हो कि शुद्ध हो सब कर्म सापेक्ष है। इसलिए एक कर्म सापेक्ष परिणमन है, एक निरपेक्ष परिणमन है। 45 मिनट हुए भी बंद करता हूं, तो एक निरपेक्ष परिणमन है, एक कर्म सापेक्ष परिणमन है। निरपेक्ष परिणमन जिसके ख्याल में आ जाता है वो परिणमन में अपरिणामी स्वभाव है ऐसा ख्याल में आ जाता है, तो सापेक्षता में भी शुद्धता का जन्म हो जाता है। ऐसी बात यहां आचार्य भगवान बताना चाहते हैं। कुछ गुरुदेव श्री ने भी बहुत बार 17-18 गाथा ली, उसमें यही स्पष्टीकरण किया है। आप लोग नैरोबी का प्रवचन में भी 17-18 गाथा है, उसको भी जरूर आप पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से पढ़ लेना, सुन लेना, तो ख्याल आ जाएगा। एक बार, अभी 2-3 मिनट है, मैं एक बात कह देता हूँ। नैरोबी की बात याद आई, तो नैरोबी का प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का चल रहा था, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात की कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो एक श्रोता ने प्रश्न किया, उसने क्या किया प्रश्न, कि ये तो तैयार शिष्य की बात आप कर रहे हो। क्या बोला? तैयार शिष्य की बात। तैयार शिष्य माने जिसको नई निक से प्रमाण का पता है, स्वभाव विभाव का ज्ञान है, उपादान निमित्त की चर्चा मालूम है, निश्चय व्यवहार किसे कहते हैं, त्रिकाली द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते हैं, उनका सबका जिसने अध्ययन कर लिया है, ये तो उनके लिए है,
यहाँ ये नैरोबी में किसी को कुछ पता नहीं और आप ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है ऐसा बोल रहे हो, ऐसा प्रश्न किया श्रोता ने कुछ गुरुदेव श्री को। गुरुदेव श्री का क्या उत्तर था सुनो आप। उसने बोला कि ये तैयार शिष्य की बात है। मुझे गुरुदेव श्री ने ऐसा जवाब दिया कि ये पात्र शिष्य की बात है। हमने ऐसा देखा है कि इनकी पात्रता अभी उदित होने वाली है, अभी इसको मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है। आचार्य भगवान ने ऐसा देखा इसलिए ये बात करते हैं। पात्र शिष्य की बात है, तैयार शिष्य माने तैयार शिष्य माने सब जानपना उसने ग्रहण कर लिया हो उसके लिए ये लिखा गया है। तो कि ऐसी बात नहीं है भैया, उसकी पात्रता देख के ये शब्द आचार्य भगवान के कीर्ते है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आता है। ऐसा ये पूज्य गुरुदेव श्री ने और आचार्य भगवान ने बताया है। ऐसा स्वभाव समझ कर सभी मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भाव। अभी हम और आप सबने चेतन भाई का बहुत ही मार्मिक सूक्ष्म